नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। दिल्ली के मुंडका में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने राजस्थान से एक और व्यक्ति को पकड़ा। मुंबई के बांद्रा इलाके में 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलाबारी की थी, जिसे लेकर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा के सभी 7 सांसदों और प्रदेश पदाधिकारियों ने अलग अलग जगहों में सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में पथराव किया। यहां दिल्ली जल बोर्ड के फिलिंग पॉइंट पर महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे तोड़ डाले। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पानी की किल्लत को दूर करने में पूरी तरह से विफल रही है, ऐसे में सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करने के मामले में सांसद रविंद्र वायकर के साले पर FIR दर्ज। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने FIR लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल करने के आरोप में किया। दरअसल नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। पटना के बाढ़ में गंगा नदी में पलटी नाव, 13 लोगों को बचाया गया, 4 अब भी लापता। होम मिनिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर मंथन, अमित शाह की अगुवाई में की बड़ी मीटिंग, NSA डोभाल और IB चीफ समेत कई बड़े अफसर रहे शामिल। मंत्री अतीशी का बड़ा दावा, दिल्ली में पानी की पाइपलाइन काटने से हो रही है साजिश, पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे दिल्ली की जल मंत्री अतीशी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। अतीशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। अमेरिका में वाटर पार्क में हुई गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल, संदिग्ध फरार। गंगा दशहरा के अवसर पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, राम मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। अमेरिका में 48 साल के शख्स के 165 बच्चे, US से लेकर एशिया तक स्पर्म डोनेट कर चुके 10 महिलाएं अभी भी प्रेग्नेंट। भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं, राहुल गांधी ने फिर उठाए EVM पर सवाल। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 71,870 रुपए और 22 कैरेट के लिए 65,830 रुपए पहुंचा। फिलिस्तान के PM ने मोदी को लिखा खत, कहा गाजा में नरसंहार रोकने में मदद करे भारत, फिलिस्तानियों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। पंजाब की 2 बहनों पर अमेरिका में फायरिंग, गर्भवती की मौत, दूसरी घायल, हमलावर ने 6 घंटे बाद हाथ खड़े कर सरेंडर किया। गाजा में 8 इजरायली सैनिक मारे गए, बख्तरबंद टैंक में विस्फोट, हमास बोला हमारे इलाके पर कब्जा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। GT रोड बेल्ट साधने को कांग्रेस का वर्कर सम्मेलन, हुड्डा बोले भाजपा ने हरियाणा को पीछे धकेला है। हरियाणा में कुख्यात बदमाश की गोली से हत्या, बीच बाजार घेरकर मारी गोली, अस्पताल में दम तोड़ा, 27 केसों में नामजद था बदमाश, पत्नी बाल बाल बची। हरियाणा के फतेहाबाद के सतीश कॉलोनी में गोली लगने से घायल हुए बलराज उर्फ गोली की आज सुबह हिसार की निजी अस्पताल में मौत हो गई। हमलावरों ने उसकी पत्नी पर भी फायरिंग किए थे, लेकिन वह बच गई। सर्व कर्मचारी संघ की रोहतक में राज्य स्तरीय बैठक, सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला 19 जून से करेंगे आगाज। रोहतक से माल लेकर जाने वाली 3 गाड़ियां गायब, गुरुग्राम और फरीदाबाद लेकर जा रही थी माल, 24 लाख रुपए का केस दर्ज। हरियाणा में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या, कर्ज में डूबे पड़ोसी ने किया किडनैप, नहर में फेंकने के बाद ढूंढने का किया ड्रामा। हरियाणा के फतेहाबाद में इकलौते बेटे की हत्या, पिता ने सोते वक्त चारपाई के पाए से सिर पर किए वार, पत्नी को बोला मैंने उसे मार डाला।
झज्जर के प्रीति गार्डन में दीपेंद्र हुड्डा का सीएम के बयान पर पलटवार, सांसद बोले जनता ने इनकी सोच पर किया वार, युवाओं के लिए नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी हैं। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।